PUBG पाकिस्तान में बैन हो गया, अब तक तो आपने सुन ही लिया होगा। PUBG हैज बीन बैंड इन पाकिस्तान, लेकिन ये अभी जो बैन है टेम्परेरी लगाया गया है। PTA के जो नोटिस है उसमें लिखा है कि हम पब्लिक से फीडबैक मांगते हैं कि हमें बताइए कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन वैसे मांगना तो इनको बैन करने से पहले चाहिए था कि भाई हम सोच रहे हैं इसको बैन करने का, तो बताइए क्या करें। लेकिन अब जब बैन लगा ही दिया और फीडबैक मांग ही लिया पब्लिक से, तो पब्लिक फीडबैक देगी, आप भी दीजिए, मैं इस वीडियो की शक्ल में दे रहा हूँ। अब बजाय इसके कि मैं ईमेल लिखता लंबी चौड़ी 6 पैराग्राफ की कि डियर सर आई बैक टू स्टेट दैट ये वो, पर ज़्यादा आसान तो यही है कि लिखो PFA वीडियो लिंक अटैच्ड एंड सेंड। तो भाई ये था जो दिस इज़ माय ओपिनियन ऑन द पबजी बैन एंड अदर रिलेटेड स्टफ। ये वीडियो सिर्फ पबजी के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट कल्चर ऑफ बैनिंग एंड सेंसरिंग द रिलेटेड स्टफ। ये वीडियो मुझे टिकटॉक के बाद बनानी थी, जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ और यहाँ पे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि चाहते हैं बल्कि कि टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में भी बैन हो जाए। कुछ खबरें देखी थी मैंने भी उड़ती हुई, तो यूट्यूब जो है वो पाकिस्तान में बैन हो चुका था एक टाइम में और काफ़ी देर बाद खुला। तो एज अ क्रिएटर मेरा क्या ओपिनियन है अबाउट द कल्चर ऑफ बैनिंग थिंग्स, तो हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि आज की जो मेन खबर है वो है पबजी, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। और पबजी के बारे में जो मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि मेरा डायरेक्ट जो पबजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका टाइम का भी होता है। तो मैं पर्सनली जो है पबजी नहीं खेलता। अब ऐसा नहीं है कि मैं ऑन कैमरा आके आपको बोल रहा हूँ कि मैंने मतलब मैं कभी गेम नहीं खेलता, मतलब मैंने IGA खेली है और GTA खेली है, मतलब ऐसी गेम्स खेलता हूँ और पसंद भी है। लेकिन पबजी के बैन होने से मुझे कोई अफेक्ट नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरी कोई डेली रूटीन पे पड़ता है, ना मेरे करियर पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, देर आर प्लेयर्स जिन्होंने सालों लगाए हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, मतलब कि उन्होंने इसके ऊपर टाइम अपना इन्वेस्टमेंट किया है। और जो प्रॉपर स्ट्रीमर्स हैं और जो मतलब प्रॉपर प्लेयर्स हैं, गेम प्लेयर्स हैं, ठीक है, और आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि इंडिया में बहुत से प्लेयर्स हैं इसके और स्ट्रीमर्स भी हैं और जो कि प्रोफेशनली खेलते हैं, ठीक है, और जिनका स्टेटस जो है वो सुपरस्टार से कम नहीं है, जिनमें स्काउट है, मॉडल है, इनकी स्ट्रीमिंग मैं खुद भी देखी है, मतलब पागलों वाली फॉलोइंग है इनकी। तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को जो है वो मतलब फॉरेन करेंसी बहुत उसमें इंटरेस्ट है, तो मतलब जो मतलब होते हैं ना ये स्ट्रीमर्स और गेमर्स, इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मोस्टली जो होती है वो मतलब डॉलर्स में ही आती है भाई से, बिकॉज यूट्यूब इज़ इन्वॉल्व। तो एक फॉरेन रिजर्व तो हमने टाटा बाय बाय कर ही दी है। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रीमर्स सुपरस्टार सेलिब्रिटीज बन सकते थे पबजी के अराउंड, सिंस यू आर बैन ऑन पबजी तो वो तो अब शायद ना हो। दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं अरसलान ऐश की। अरसलान ऐश इज़ अ पाकिस्तानी टेकन प्लेयर जो कि प्रॉबली द मोस्ट बेस्ट टेकन प्लेयर जो करंटली इन द वर्ल्ड हैं और रेडबुल एथलीट भी है, जो कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इस तरह की पबजी की टीम्स भी हो सकती थी, जिस तरह इंडिया में है, लाइक दे हैव अ फनेटिक और सोल, मतलब ये जो टीम्स हैं काफ़ी फेमस हैं। पाकिस्तान से भी इस तरह की पबजी प्लेयर्स जो हैं वो टीम्स बना सकते थे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, बहुत सारा नाम कमा सकते थे, बहुत सारा पैसा कमा सकते थे और लोगों को बता सकते थे कि भाई दीज स्पोर्ट्स कैन बी अ प्रॉपर प्रोफेशन। लेकिन वो अब शायद ना हो, एटलीस्ट पबजी से तो नहीं होगा अगर ये बैन परमानेंट हो गया तो। और जो PTA को कंप्लेंस आई हैं वो हैं कि पबजी इज़ अ
वेस्टेज ऑफ टाइम मतलब एडिक्टिव है, और फिजिकली इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे वो नेगेटिवली पड़ता है, ठीक है। तो भाई मेरे ख्याल में ना, मतलब ये सब चीज़ें तो मुझे टीवी से भी फील होती हैं, कि टीवी से मतलब आपको, मुझे फील होता है कि वो एडिक्टिव भी है, वो मतलब आपको मतलब टाइम भी वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर, उसके बाद आपका फिजिकली अगर आप बैठे बैठे टीवी ही देख रहे हो तो मतलब उसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे। तो जो पीटीए है ना, उसको इन न्यूज़ चैनल्स को ना, मतलब पीटीए तो नहीं है, जो पैमरा है ना, दोनों बहन भाई है ना, पैमरा को इन न्यूज़ चैनल्स को भी ना मतलब, लेकिन ये बात ना पबजी में आके नहीं रुकती। ये जो कल्चर है, आई मीन ऑफ बैनिंग स्टफ, अगर हमें किसी भी चीज़ का कोई सलूशन नहीं नज़र आता और कोई भी चीज़ इतनी सी भी ऑब्जेक्शनेबल लगती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि बैनिंग इज ओनली द वे आउट। इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो और चीज़ों पे भी होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेटफ्लिक्स। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बार ट्वीट किया था अमेज़ॉन को और नेटफ्लिक्स को कि भाई आप यहाँ पे आएँ पाकिस्तान में और मतलब एक्सप्लोर करें और देखें कि यहाँ पे लोगों में कितना टैलेंट है और अपनी लेकर आएँ यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्शंस। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि भाई प्राइम और अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं आने वाले अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शंस को लेके, जब तक कि ये हमारा निज़ाम जो है बेहतर नहीं हो जाता। उसकी वजह एक ये भी है, सपोज़ नेटफ्लिक्स आ जाता है पाकिस्तान में, अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे, अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शंस यहाँ पे लाता है और फिर ग्रो करना शुरू कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो कर जाता है तो लोकल लोग जब आएंगे उस प्रोडक्शंस में और सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, और सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद उस पर आकर नेटफ्लिक्स को देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि किसी भी इंसान को, कभी भी किसी भी सोसाइटी के कोई भी अफराद को कोई अगर चीज़ ऑब्जेक्शनेबल लगती है, या उसको लगता है कि भाई उसमें लैंग्वेज ठीक नहीं है, या न्यूडिटी है, या ग्राफिक वायलेंस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता है और मुझे भी उसके बारे में नो हाउ है, तो उसका क्या सलूशन होगा कि सबसे पहले नेटफ्लिक्स को बैन कर दो, ठीक है। उनका जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो तेल लेने गई भाई। और दूसरा सलूशन क्या होगा, एक्सट्रीम, जाके नेटफ्लिक्स के ऑफिस को आग लगा दो, ठीक है। तो फिर यहाँ फिर उसके डायरेक्टर को पकड़ लो, और क्योंकि उसने यहाँ पे बनाई थी तो नेटफ्लिक्स के साथ भाई ये काम करता है, ये तो यहूदी एजेंट है। दिस हैज़ हैपन्ड, ये मैं कोई अपनी तरफ से स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट नहीं बना रहा हूँ, ये दिस हैज़ हैपन्ड इन पाकिस्तान, कि जब भी किसी भी बाहर के ममालिक में कुछ होता है उनकी किसी कंपनी को, यहाँ पे जब कोई सब्सिडी होती है तो लोग उसको कटा देते हैं। टेस्ला की मिसाल हम ले लेते हैं, अब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने टेस्ला को भी कहा था कि भाई आप यहाँ पे आए हैं हमारे पास, कुछ काम वाम करें, कोई मतलब इन्वेस्टमेंट करें, वो हम आपको सब्सिडी देंगे, तो बनाएं अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो भाई वो अगर लेट्स सपोज आ भी जाती है तो चलेगी कैसे, बिजली तो यहाँ पे पहले ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आ जाती है और अपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती है यहाँ पे, लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है, तो फिर एक दिन क्या होगा, एलन मस्क भाई जून के महीने में ट्वीट करते हैं, आई सपोर्ट प्राइड, आई एम फॉर द प्राइड कम्युनिटी एंड गो LGBTQ। फिर क्या होगा कि टेस्ला के शोरूम को आग लगा दी जाएगी, या फिर कहा जाएगा कि भाई इसको बैन कर दो, टेस्ला को भगाओ यहाँ से यार, इसको जो उसकी जो बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी तो वो तो भाई चली जाएगी तेल लेने। तो वाई वुड दे कम हियर। अब जिस भी मुल्क में यूट्यूब का ज़्यादा ट्रेंड होता है, या यूट्यूब के जो क्रिएटर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो कि ग्रेजुअली अब पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक जगह होती है जिसको कहते हैं यूट्यूब स्पेस। तो मतलब वहाँ पे एक डिफरेंट सेट्स होते हैं जहाँ पे आप यानी कि जाके वीडियोज़ अपनी शूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको किसी किस्म की कोई काउंसलिंग चाहिए तो आपको यानी कि यूट्यूब उस वहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है, या यूं कह लो कि मतलब YouTube आपको जो है वो फिजिकली वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है मौजूद होके। तो पाकिस्तान में अब YouTube जो स्पेस है वो तो नहीं आएगा जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ पहले भी ये हो चुका है कि
कोई भी तीसरा शख्स अगर YouTube के ऊपर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोड कर देता है तो सबसे पहले उसका स्पेस जलेगा, उसके बाद कोई बात होगी। तो दिस इज हाउ इट्स वर्क, आई मीन इट्स गोइंग टू वर्क, तो यू एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो Netflix, Amazon, Prime, Tesla, YouTube Space आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एनी टाइम सून, ठीक है। तो ये तो हो गया एक फैक्ट, आई होप आई एम रॉन्ग, बट जो मुझे नजर आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि कुछ महीने पहले हमारी गवर्नमेंट ने गूगल, ट्विटर और फेसबुक को एक साथ बोला था कि भाई आप यहाँ पे अपने सर्वर्स लाएं और अपने यहाँ पे दफातर बनाएं, ठीक है। तो जो हम आपको कंटेंट कहेंगे वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम आपको काम करने देंगे, वरना आपको जुर्माना लगेगा और हम आपको यहाँ पे काम करने नहीं देंगे। ये हमने बोला था गूगल, ट्विटर और फेसबुक को एक साथ, और उनका एक साथ रिप्लाई आता है कि भाई हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो हमने उनको कहा कि भाई थोड़ा सा मजाक हो रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो मतलब रुक गए। यू हैव टू सेट अप ऑफिसेज इन पाकिस्तान, यू हैव टू सेट अप सर्वर्स इन पाकिस्तान। तो बैन करना या साइलेंस करना, मतलब लोगों को कुछ इस तरह की चीज़ों में उलझाया हुआ है ना, कि देखें यहाँ दुनिया में एक वबा फैली हुई है, हर तरफ पैंडेमिक है, बिजली है नहीं, PIA दुनिया में बैन हो गई है, और यार 100 तरह के मसले ऐसे हैं कि अगर ये मसला US में आता या UK में आता ना, तो वो लोग क्या करते। सिंपल सा सलूशन है कि इसके ऊपर रेटिंग लगा देते हैं, जो कि वो लगाते हैं, ठीक है। अब गॉड ऑफ वॉर है, वो बनाई है, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, वायलेंस है, उसको क्या उन्होंने क्या किया, रेट कर दिया कि अडल्ट्स के लिए, ठीक है। कोई नॉर्मल बच्चों की गेम है उसको आप रेट कर दोगे, यार ये एवरीवन के लिए है। अब इसको कहते हैं ESRB रेटिंग, ठीक है। अब जो कि आपको ट्रेलर्स में भी मिल जाती है, फिल्मों में भी मिलती है, वो ड्रामों में भी होती है। अब Netflix प्ले करता है, ठीक है, अगर जो भी वीडियोस, जो भी उसने कंटेंट उसके ऊपर अपलोडेड है वो प्ले करता है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि टॉप पर आ रहा होता है ये 16 प्लस है, ये 18 प्लस है, या ये 13 प्लस है। उसने एक एज वाइज उसको रैंक कर दिया अपने कंटेंट को, ठीक है। अब बाहर की दुनिया में तो इस सारे मसले का ये सलूशन निकाला उन्होंने। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पबजी जैसे 50,000 गेम्स हैं प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो जो जो कैजुअल मतलब प्लेयर्स हैं ना, उनको एक दिन नहीं लगेगा स्विच करने के ऊपर, ठीक है। तो नुकसान किसको होगा, जिसके सालों लगे हुए हैं उस गेम के ऊपर, कि वो उस सर्कल्स में जाना चाहता था पबजी के, पाकिस्तान का कुछ नाम बनाना चाहता था, या उसके गेम प्ले के अंदर जाकर कुछ फेम लेना चाहता था पाकिस्तानी मतलब होने के नाते, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि हम लोगों ने ये करके सोल्यूशन निकाल लिया इस चीज़ का। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जिंदगी तमाशा, ये कोई आधा साल हुआ होगा, 6-7 महीने हुए होंगे इसको, तो जिसके ट्रेलर्स भी आए थे और उसको सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दिया था कि हाँ यार ये कुछ सीन्स हैं जिनको उन्होंने काट कर उनको कहा था कि हाँ जी आप इसको चलाएं, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन उसके खिलाफ फिर भी काफ़ी हंगामे हुए और लोगों को लगा कि बहुत सा मतलब बहुत जो मूवी है ये ख़राब है और मतलब यहाँ पे रिलीज़ नहीं होनी चाहिए और ये हमारे वैल्यूज़ को जो है वो ख़राब कर देगी, तो वो फिल्म यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर की नज़र से देखते हैं या अगर आप डायरेक्टर की नज़र से देखते हैं, तो भाई उस मूवी के अंदर बहुत से लोगों का पैसा लगा होगा, बहुत से लोगों की मेहनत लगी होगी, तो वो सब कुछ क्या होगा कि वो तो ज़ाया हो गया। और जब अगर Netflix यहाँ पे आ जाता है और वो जो डायरेक्टर साहब हैं फिल्म के, उन्होंने अगर वो Netflix को कह दिया कि भाई हाँ जी मेरे तो यहाँ पे पैसे डूब गए हैं, तो अब वो Netflix उनको उनसे क्या करता है, राइट्स ले लेता है और वो मूवी अपने जो है वो अपलोड कर लेता है, ठीक है। अब आपको क्या होता है कि एक साल के बाद आपको पता चल रहा होता है कि भाई वो वीडियो जो है वो मूवी की वो अपलोडेड है उसके ऊपर Netflix के ऊपर, तो जिंदगी तमाशा के नाम से जो मूवी है, ठीक है, वो अपलोडेड आपको मिल जाती है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक महीने से अंदर अंदर वो वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा कि हाँ जी Netflix को जो है वो बैन करो, इसको बंद करो,
तो इसको रोका जाए ताकि ये हमारे वैल्यूज को हिट ना करे. तो दिस इज वाई माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माई एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, नेटफ्लिक्स इज नेवर गोइंग टू कम टू पाकिस्तान जब तक ये हालात हैं पाकिस्तान के.